हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के आपके मेंटरशिप प्रोग्राम का ये पॉलिटी का सिक्स लेक्चर है, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग इश्यूज रिगार्डिंग फेडरलिज्म, रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड लास्टली जो चैलेंजेस एक्सेट्रा आते हैं ये फेडरल इंडिया के फेडरल मॉडल के बीच में। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगेन जिस तरह से हमने प्रीवियस उसमें भी किया है, हम लोग इसमें एनालिटिकल लेक्चर्स करेंगे। एंड फॉर द मेंटरशिप स्टूडेंट्स हम प्लेटफॉर्म के अंदर अब सारे लिंक्स एम्बेड कर देंगे, ताकि जो हमारे TTL बैच से भी आपने जो वीडियोज़ देखनी है उनकी भी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो सारी जो इकट्ठी वीडियोस होंगी वो आप इकट्ठे देख सकते हैं, तो अब फॉर द स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है इसके कंसर्निंग जो फैक्चुअल लक्ष्मीकांत रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो आपको GS पॉलिटी बैच के GS पॉलिटी बैच के TTL लेक्चर्स 37-40 में जो है मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कवरिंग फेडरलिज्म का आपका चैप्टर, कवरिंग चैप्टर 14 सेंटर स्टेट रिलेशंस, कवरिंग आपका इंटर स्टेट काउंसिल, आपके शेड्यूल्ड एरियाज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं ये GS पॉलिटी के TTL सीरीज़ के अंदर कवर हुए हैं फ्रॉम लेक्चर्स 37-40। सो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस लेक्चर आप पहले जाके ये 37-40 GS पॉलिटी के TTL ठीक है ये देख लीजिए प्लीज़। तो एक बार एक वो फाउंडेशन ले हो जाएगी, एक बार ग्राउंड वर्क हो जाएगा, तो एनालिटिकल चीज़ें जो कैच करनी होती है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अंदर भी वी विल बी लुकिंग एट अ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो उन चैप्टर्स में अवेलेबल नहीं है, कि एवोल्यूशन फेडरलिज्म का, ठीक है, इसका जो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स थे उनको हम देखेंगे, साथ ही साथ में क्या पेक्यूलैरिटीज हैं इंडियन मॉडल की, उनको भी हम देखेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वी विल बी लुकिंग एट देम। प्लस इसके अंदर जो है एक दो आपके क्वेश्चंस भी होंगे अलॉन्ग विद आंसर्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि आपको एक ये भी आइडिया हो सके कि आपने उनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर से शुरू करते हैं फटाफट। अब हम पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम ये बात करते हैं इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ये इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है, व्हाई नॉट जस्ट से कि इंडिया में फेडरलिज्म है, ये इंडियन मॉडल क्या है, ऐसी कौन सी पेक्यूलियर चीज़ है, या हम क्यों बोलते हैं कि इंडिया का जो मॉडल है, अलेक्जेंड्रो विच ने स्टेटमेंट दी थी कि ये सुई जेनरिस है। ठीक है, इट इज़ समथिंग ऑफ इट्स ओन मेकिंग, ये अपनी पेक्यूलैरिटीज को सूट करते हुए कुछ अनोखा यूनिक ही एक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है जो कि इवॉल्व होके आया है। तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि देखिए कि इंडिया की जो सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टाइप का सिस्टम इवॉल्व किया जो दो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट का फ्यूजन था, एंड वैसे वेरी इंपॉर्टेंटली दो अनलाइकली पोलिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनका फ्यूजन था। क्योंकि जनरली जैसे अगर हमने अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है किससे बोरो किया, UK के वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम से। एंड अगेन वो जो मोस्टली हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होते हैं वो यूनिटरी ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप UK में भी देखेंगे, UK फेडरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया, पर साथ ही साथ में हमने फेडरलिज्म भी अपना लिया। ठीक है, यूजुअली फॉर एग्जांपल अमेरिका को, ठीक है, USA को आप अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को एकदम प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म मानते हैं, एंड ये माना जाता है कि प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बहुत ईजिली बैठ जाता है आपके इस फेडरल उससे। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों ही जगहों पे सेंटर और स्टेट्स को दोनों ही एक काफ़ी ऑटोनॉमस काम करने की जो जगह है वो दी हुई है। ठीक है, तो यही पे बिद्यु चक्रवर्ती अपनी बुक में लिखते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअली हिस्टोरिकली वो यूनिटरी चीज़ों पे ही सपोर्ट करता आया है, वेर इज फेडरलिज्म इसका मतलब जो है कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ठीक है, बट ये कॉम्बिनेशन किया क्यों, ये कॉम्बिनेशन अगेन
इंडिया की पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए किया गया। ठीक है, पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया को एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री मॉडल के साथ, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल था इसीलिए वो एक मेजर रेफरेंस पॉइंट था फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और इसीलिए उन्होंने जाना था कि पार्लियामेंट्री मॉडल जो है हमारे लिए सही बैठेगा, राइट। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हम बात करते हैं कि वो देख चुके थे कि जो पार्लियामेंट्री मॉडल है उसके अंदर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आता है, इवन दो इट इज़ मिसिंग द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जो प्रेजिडेंशियल मॉडल के साथ आती है, बट अगेन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फेवर की ओवर दिस अकाउंट ओवर द स्टेबिलिटी, बिकॉज वहाँ पे आपको डिक्टेटरशिप आने का या अथॉरिटेरियनिज्म आने का एक डर बना रहता है। ठीक है, तो इसी कारण जो है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल अडॉप्ट हुआ। ऑन दी अदर हैंड फेडरलिज्म जो था एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, एक प्लूरलिस्ट कंट्री है, राइट। उसके प्लूरलिस्ट सोशियो पोलिटिकल कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ इसकी सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ इसका कल्चर, लैंग्वेजेस, द वेरियस ट्रेडिशंस जो ये फॉलो करते आए हैं, राइट, इन सब के बेसिस पे, क्योंकि ये सब इतने डाइवर्स है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स भी जो है इवॉल्व हो गए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट। तो इस डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर, इस डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को अपने अंदर एक अकोमोडेट करने के लिए सबसे सही इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कौन सा बैठता था, वो था फेडरलिज्म, राइट। और इसीलिए दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट्री मॉडल और फेडरल अरेंजमेंट को इकट्ठे कंबाइन करके इंडिया ने एक यूनिक फॉर्म ऑफ अपना सिस्टम बनाया ऑफ पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म। अब बिकॉज इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया तो ऑब्वियस था कि जो एक प्योर मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस होता आ रहा है इन USA और इन ऑस्ट्रेलिया, इसको ट्वीक करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म है ऑलमोस्ट एक क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे आपके जो मेकर्स थे उन्होंने बहुत क्रिएटिवली इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया ताकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसका गोल अचीव हो सके, और साथ ही साथ में इंडिया के जो प्लूरलिस्टिक डाइवर्स नीड्स हैं, डिमांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मासेस के, उनको भी फुलफिल किया जा सके। ठीक है, जो अगर आप पहला कॉन्क्रीट मॉडल देखोगे तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसके अंदर द प्रिंसली स्टेट्स हैड अग्रीड टू दिस आइडिया ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके बेसिस पे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। हाउएवर ये कभी प्रैक्टिस में नहीं आ पाया, तो वो जो ऑल इंडिया फेडरेशन एनविसेज की गई थी वो कभी हो नहीं पाई। हाउएवर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है टू रिमार्क दैट इंडियन मॉडल जो है फेडरलिज्म का वो ज़्यादा कनेडियन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है रादर देन द US फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, अब बहुत ज़रूरी है, या आप किसी भी बुक में देखेंगे, DD बसु, लक्ष्मीकांत कोई भी देखेंगे तो वहाँ पे बताया हुआ मिलेगा कि फेडरेशन इसेंशली किससे डिराइव है, एक लैटिन वर्ड है फेडिस, कि इससे डिराइव्ड, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट। ट्रीटी या अग्रीमेंट क्यों, क्योंकि ये जो एक बड़ा स्टेट बना है, ये बड़ा स्टेट क्यों बन पाया है, क्योंकि इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स थे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उन सब ने आपस में अग्रीमेंट किया, आपस में ट्रीटी की, और इकट्ठे होके एक बड़ा एक स्टेट, एक यूनियन बना लिया, राइट। और ये जो फेडरेशन है ये इस अग्रीमेंट, इस ट्रीटी का नतीजा है। ठीक है, हाउएवर जो इंडियन फेडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जाना कि इंडियन फेडरेशन ऐसी किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। जहां USA में ऐसा अग्रीमेंट हुआ था, इंडिया में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था। मोर ओवर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, कोई भी जो यूनिट है हमारे इंडिया का, हमारे बड़े एक स्टेट का, ठीक है, उनमें से कोई भी उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनके पास राइट टू सीट जो है वो नहीं है। आप अपनी यूनियन से अलग होके नहीं जा सकते हो, ये अलाउड नहीं है। और इसी कारण जो है Article 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इंडिया को एक फेडरेशन की जगह इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है प्रोक्लेम किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों कारणों के कारण ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो था फ्रेज यूज किया गया। अगेन
इवन दो यूएस के प्योर मॉडल से हमारे इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, बट फिर भी इंडिया को एक फेडरल सिस्टम क्यों कंसिडर किया जाता है? इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि फेडरल सिस्टम होने की कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है। कुछ लोग 5 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, बेसिकली ये एक दूसरी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, होती वही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये है कौन सी जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो फेडरेशन या फेडरलिज्म के आप मान सकते हो, जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि आप अमेंड तो कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उसी तरह ये भी बेसिक फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, कि अगर ये बेसिक फीचर्स हैं तो मतलब आप एक इन स्पिरिट आप फेडरल मॉडल हो, ठीक है। पहला है ये रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है, साथ ही साथ में ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और इसको ही सारे के सारे यूनियन प्लस स्टेट्स फॉलो करते हैं। ये रिटन होना क्यों इंपॉर्टेंट है? रिटन होने से ना एक रिजिडिटी आ जाती है, राइट, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजिडिटी जो इन फेडरल कैरेक्टर्स को एक तरह से संभाल के रखे, प्रिजर्व करके रखे, ज़रूरी है फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखने के लिए। सेकंड है आपका डुअल पॉलिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, दोनों ही सेंटर और स्टेट लेवल पे, जैसे कि हम आगे भी देखेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम एक तरह से इस्टेब्लिश्ड है, राइट, आपके सेंटर पे यू ऑब्वियसली हैव योर पार्लियामेंट कंप्राइजिंग ऑफ द टू हाउसेस, एंड एट द स्टेट लेवल यू हैव योर लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो दोनों ही जगह पे ये जो डुअल पॉलिटी है वो इस्टेब्लिश्ड है, जो अपने अपने लॉज बनाती हैं, ठीक है, और डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट, डिवीजन ऑफ पावर्स भी जो है वो अवेलेबल किया गया है, राइट, वाया द 7th स्केड्यूल, तो आपकी जो 3 लिस्ट हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म, ऑब्वियसली आपके पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड राज्यसभा यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है एक इंडिपेंडेंट एज वेल एज इम्पार्शियल जुडिशरी का होना। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फटाफट हम आगे देख लेते हैं कैसे है। रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपको बताया, सबसे लेंदी है, सबसे डिटेल्ड है, छोटी छोटी निटी ग्रिटीज भी बताई गई है ताकि इस फेडरल मॉडल का उल्लंघन ना हो सके। साथ ही साथ में रिटन होने के साथ ही, ठीक है, ये एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है एंड इट इज रिजिड इनफ ताकि इसके फेडरल फीचर्स आसानी से चेंज ना किए जा सके। एंड आर्टिकल 368 हमने जैसे देखा हुआ अमेंडिंग के लिए, उसका सेकंड प्रोसीजर याद होगा आप सबको कि स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, जिस तरह से जीएसटी का आपको याद होगा, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए पार्लियामेंट में, प्लस आपको रेटिफिकेशन चाहिए बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो एक तरह से एक रिजिडिटी इम्पार्ट करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। अगेन डुअल पॉलिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट, 3 जो आपकी लिस्ट है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट, वो आपकी डिवीजन ऑफ पावर्स है। बायकैमरलिज्म, 2 हाउसेज है, लोकसभा जो है पॉपुलरली इलेक्टेड हाउसेज, वेरियस स्टेट्स में कौन, राज्यसभा जो है आपका, वो उसके अंदर वो रिप्रेजेंटेशन पाते हैं, राइट। तो आप सबको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी जो राज्यसभा है दैट इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। सेम आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसी का मेथड फॉलो करते हुए, सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन उतने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके कहाँ पे राज्यसभा में बैठ जाते हैं, अनलाइक से द अमेरिकन मॉडल जहाँ पे सेम ही नंबर आएगा रिगार्डलेस ऑफ जो भी साइज ऑफ द आपका स्टेट हो, उतना ही आना है, सेम नंबर ही आएगा फ्रॉम एवरी स्टेट, अनलाइक इंडिया वेयर द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली है आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो वो मेंटेन करके रखती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकेंडली ये रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स, दोनों ही स्टेट्स के अंदर जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो, एंड सेंटर ऑफ स्टेट में जो हो रहे हैं वो भी ये रिजॉल्व करती है। जो जुडिशरी है उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर नाम की एक इनोवेशन कर ली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसी के अंदर ड्यूरिंग द केशवानंद भारती केस उन्होंने बोला कि ये जो फेडरलिज्म है ये एक मेजर पार्ट है आपके इस बेसिक स्ट्रक्चर का, इन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जिनको अब्रोगेट नहीं कर सकती पार्लियामेंट इवन बाय इट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, इवन तो बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिया के अंदर
जो कि उनको ज़्यादा यूनियन की तरफ टिल्टेड बना देते हैं, सेंटर की तरफ ओरिएंटेड बना देते हैं। कुछ चार पांच ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम बोलते हैं बेसिकली ऐसे हैं कि वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं एंड केपेबल हैं कंट्री को इकट्ठा, यूनिफाइड और इंटेग्रिटी के साथ रखने के लिए। और ये है एक आपकी सिंगल इंटेग्रेटेड जुडिशरी जो है, ठीक है। सिंगल इंटेग्रेटेड जुडिशरी, ये तो आपको पता होगा, इट्स लाइक अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे आपके लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स आते हैं, टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, ठीक है। तो ये जो पिरामिडिकल लाइक स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल इंटेग्रेटेड स्ट्रक्चर है, अनलाइक द यूएस मॉडल, ठीक है। अनलाइक द यूएस मॉडल जहाँ पे अगेन जुडिशरी जो है बाइफर्केटेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, यूनिफॉर्मिटी है फंडामेंटल लॉज, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज में, ठीक है। चाहे आप जिस भी कंट्री, जिस भी स्टेट में चले जाओ इंडिया में, और ये जितने लॉज है, ठीक है, फंडामेंटल लॉज, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, सारे सिमिलरली अप्लाई होते हैं सब पे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेट के अंदर से सपोज चोरी करना अलाउड है और एक स्टेट में नहीं है, राइट। सो से अनलाइक यूएसए, जहाँ पे आप देखोगे कि स्टेट वाइज उन्होंने किया हुआ है कि कई जगह पे से सेम सेक्स मैरिज जो है अलाउड है, राइट, या फिर से द इशू ऑफ लीगलाइजिंग मैरुआना, ठीक है। तो कई स्टेट्स है वहाँ पे अलाउड है, बाकी स्टेट्स पे नहीं अलाउड, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें हैं बाय एंड लार्ज इंडिया के अंदर होल नहीं करती हैं, ठीक है। तो जितने इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हैं वो सारे इक्वली अप्लाइड हैं टू ऑल स्टेट्स एंड ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन दीज स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, जो सिंगल सिटीजनशिप है, राइट, दैट इज ऑब्वियसली अ ह्यूज सोर्स ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रिटर्निटी। अनलाइक यूएसए जहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक सिटीजनशिप भी है, इंडिया के अंदर एक ही सिटीजनशिप है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, हमारा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो कि यूपीएससी द्वारा इलेक्ट होके, यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट होके, राइट, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं सब सारे, आर डिस्पर्स थ्रू आउट द कंट्री। सो ये भी एक यूनिफाइंग द कंट्री के अंदर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। अब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की बात अगर की जाए, जो फेडरलिज्म है, अगेन एक लेगेसी ऑफ कलोनियलिज्म, पार्टीशन और नेशन बिल्डिंग जो है, सारे के सारों ने ये इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को इम्पैक्ट किया है, जिसके कारण उसके अंदर की सेंट्रलाइज टेंडेंसीज है। अब हम बोलते हैं कि दो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इनपुट्स आए थे कॉलोनियल टाइम्स द्वारा, जिसके कारण जो ये जो एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म है इंडिया में वो इम्पैक्ट हुई। पहले थी आपकी मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, राइट, जो कि 1919 में आई, 1918 की ये रिपोर्ट थी, राइट, 1918 की रिपोर्ट आपकी आती है मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की, मोंटेगु चेम्सफोर्ड की, जिसके बेसिस पे आपके 1919 के रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, राइट। सो द रिपोर्ट कम्स इन 18 एंड द रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन 19। अगेन इसके बाद आपकी जो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, राइट, साइमन कमीशन आया कब था, 1927 में, इसकी रिपोर्ट कब आई, 1929 में। इस रिपोर्ट ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज की रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंसेस में, ठीक है, ताकि इंडिया जो है बेटर एडमिनिस्टर हो पाए, ठीक है, और इसके अंदर वैसे जो वो पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड रहता है उसको अगर आपने सॉल्व करना है, उसका जो आंसर है इज़ नॉट ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, बट इन फैक्ट थोड़ा आपको डिवॉल्व करना, डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी पावर, राइट, ताकि वो एडिक्वेटली एडमिनिस्टर हो पाए, क्योंकि एक जगह पे बैठ के सिर्फ सेंटर जो है इतनी वास्ट कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट, एक सीरियस इंटरवेंशन जो इसके बाद आती है वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है, जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी आपकी लेजिस्लेटिव ज्यूरिस्डिक्शन तीन फोल्ड पावर्स में, दैट इज फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट रिस्ट। इस एक्ट के द्वारा एक फेडरल कोर्ट भी जो था इस्टेब्लिश हुआ, जो कि एडजुडिकेट करता था डिस्प्यूट्स यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में, और साथ ही साथ में एपिलेट कोर्ट भी, जो कि डिसाइड करता था कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए ये कोर्ट जो है बनाया गया। साथ ही में फिस्कल फ्रंट की अगर जो बात की जाए, तो एक्ट प्रोवाइड करता था एक डिटेल स्कीम जिसके थ्रू रेवेन्यू शेयर होंगे आपके सेंटर और स्टेट के बीच में, और इसीलिए इस एक्ट ने पहली बार इस फिस्कल फेडरलिज्म का भी एक नक्शा दे दिया इंडिपेंडेंट इंडिया को।
जब कांग्रेस है उन्होंने भी अपनी जो है जो आईएनसी थी उन्होंने भी अपनी एक फेडरल स्कीम सोचने की डिवाइस करने की कोशिश की राइट, जो कि बेसिकली लिंग्विस्टिक लाइंस पे थी। 1928 में जो आईएनसी ने यूनानिमसली डिसाइड कर लिया कि प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीग्रुप करना इम्पॉर्टेंट है ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है बेस्ड ऑन कल्चर ऑफ ट्रेडिशंस एंड लिटरेचर वो इंटैक्ट रह सके राइट। साथ ही में जिसके कारण एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट जिसके कारण चॉइस हुई इंडिया की टू एक्चुअली टेक अप फेडरलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वॉज द आइडिया कि इंडिया को हमने अ यूनियन ऑफ पैचवर्क क्विल्ट, ठीक है, कि हमने वेरियस प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठे करके ये जो पैचवर्क बना दिया है उससे हमने एक पैचवर्क से हटके हमने एक यूनियन बनानी है राइट, जो जिसके अंदर काफ़ी यूनिटी हो और इंटेग्रिटी हो। साथ ही साथ में जो हमारी पार्टीशन हुई थी उसके कारण भी जो है हमने ये मॉडल डिवाइस किया जहाँ पे आपकी आपको आपकी डाइवर्सिटीज़ के लिए तो आपको इनफ जगह मिल सके लेकिन अगेन यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है कंट्री की वो मेंटेन हो सके राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो है इस तरह का एक मॉडल इवॉल्व होके आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म में एक तरह का एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म अब किस किस तरह से आता है, हम बोलते हैं मेजरली चार तरह की एसिमेट्रीज की हम बात कर सकते हैं एज फार एज फेडरलिज्म इन इंडिया इज कंसर्न। पहली है यूनिवर्सल एसिमेट्री। ये क्या है, बेसिकली आपके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंसेस हैं बेसिकली आपके जितने सारे स्टेट्स हैं ठीक है वो सब जो है इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। क्यों अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है इनकी, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ। तो जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपकी राज्यसभा में आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। सेकेंडली कुछ स्पेसिफिक एसिमेट्रीज भी हैं राइट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज या फिर अगर इंट्रा स्टेट रीजनल डिस्पैरिटीज की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें राइट। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आर्टिकल 371 राइट किस तरह से प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, असम, अरुणाचल, सिक्किम, गोवा राइट। साथ ही में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज यूनियन टेरिटरीज और ये जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है इंजॉय करती हैं। एट द वेरी एंड देयर इज स्टार्क एसिमेट्री, ठीक है, एकदम से देखने को मिलती है। और ये स्टार्क एसिमेट्री कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, जम्मू एंड कश्मीर जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है 370 के अंदर और साथ ही में 371 के अंदर जो स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं नागालैंड एंड मिजोरम को। सो यहाँ पे विज़िवी दीज एग्जाम्पल्स आपको स्टार्क एसिमेट्री भी देखने को मिलती है राइट। सो ये जो है चार टाइप की एसिमेट्रीज हैं जो कि हमें इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म में दिखती हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन हम बोलते हैं एक तो वर्टिकल कंपटीशन तो ऑब्वियसली बड़ा ही है राइट, जो एक तरह से वर्टिकल पहले होता था अब वो क्या हो गया इंडिया के अंदर, अब हॉरिजॉन्टल कंपटीशन की ग्रोथ होगी अमंग द स्टेट्स राइट। सो हर स्टेट वॉन्ट्स टू आउट परफॉर्म ईच अदर, एवरी स्टेट वॉन्ट्स टू इन्वाइट इन्वेस्टर्स, एवरी स्टेट को चाहता है कि उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ज़्यादा बेटर हो राइट इंटरनली, हर स्टेट चाहता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो। सो इसके कारण जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिशन है अमंग द स्टेट्स वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है राइट। आज की अगर बात की जाए हम जैसे जानते हैं राइट इंडिया के अंदर बाय एंड लार्ज हमने जब रीऑर्गेनाइज किए स्टेट्स विद द लेटेस्ट स्टेट ऑफ तेलंगाना कमिंग राइट, तो अब क्या हो गया है, पहले ही जब हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पे पहली बार जब हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी 56 में राइट, इसके कारण इसी टाइम पे कुछ प्रिंसिपल्स जो है लेआउट हो गए थे एंड ये प्रिंसिपल्स जो है स्टिल होल्ड ग्राउंड। और ये प्रिंसिपल्स क्या थे, पहली चीज आपने प्रिजर्व करनी है और स्ट्रेंथन करनी है क्या यूनिटी और सिक्योरिटी पूरी कंट्री की। सेकेंडली आपने जब स्टेट्स कार्व आउट कर रहे हैं जितना हो सके आप आइडेंटिटी बेसिस पे लैंग्वेज और कल्चर की होमोजेनाइटी अगर देख सके तो वो भी अच्छा होगा राइट। तो कहाँ पे सिमिलर लैंग्वेज या कहाँ पे सिमिलर कल्चर एग्जिस्ट करता है उनको आप इकट्ठे क्लब कीजिए।
नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को भी आपने पीछे नहीं छोड़ना है. ये जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट फेज ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स, ठीक है, जब स्टेट्स ये अपने आप को न्यू न्यू स्टेट्स बना रहे थे, तभी लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया. हाउएवर आपके जो उसके बाद 2000 ऑनवर्ड्स जो थोड़े राउंड्स आए, फॉर एग्जांपल अगर आप झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या लेटेस्ट अगर तेलंगाना की भी बात करें, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था, यहाँ पे मेन मुद्दा ज़्यादा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनाइटी का नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेट्स जो है ओरिजिनल स्टेट से मैचिंग कल्चर था. नहीं, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था, फाइनेंशियल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस थी जिनका मेन मुद्दा था, जिसके कारण दी स्टेट्स सॉट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट स्टेट. As far as possible, Union of India को attempt करना है कि वो अपने units को इस तरह से rearrange करें ताकि जो identity boundary है वो भी administrative boundary के साथ comfortably बैठे. अब Indian federalism में हम बोलते हैं हमें centralization tendencies तो मिलती हैं, but again यहाँ पर बोला जाता है कि जो centralization tendencies हैं इनको आप दो चीज़ों में club कर सकते हैं. पहली है circumstantial, राइट, कि क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस उठते हैं जिसके कारण आपकी जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है, जो सेंट्रलाइजेशन है वो बढ़ जाती है. सेकेंड है आपका कंसेंशुअल, कि जो आपके स्टेट्स हैं वो अपने कंसेंट द्वारा ही ये जो सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है. अब अगर हम सर्कमस्टांशियल की पहले बात करें, सर्कमस्टांशियल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर को सबसे इम्पॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो दे देता है. और ये इम्पॉर्टेंट पावर्स क्या है, कि आपने प्रोटेक्ट करना है पूरी की पूरी यूनियन को, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स, किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी और एक्सटर्नल थ्रेट्स से भी, ठीक है. तो जैसे वॉर है, अग्रेशन है, इन सबसे जो है यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे के पूरा जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स सबको प्रोटेक्ट करें. सेकेंडली, अब जो आर्टिकल्स है 352 से 360 वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए बने हैं, एंड ऑब्वियसली वो फेडरल सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है. तो जब आप अपना सेंटर स्टेट्स रिलेशंस का चैप्टर कर रहे होंगे, जो आपका 37 है, वहाँ पे आपने इमरजेंसी प्रोविजंस भी देखी होंगी, वहाँ पे आपको इमरजेंसी प्रोविजंस भी समझाई गई होंगी, ठीक है. सो यही जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व एक्ट करती हैं. और ये सेफ्टी वॉल्व बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, पहली चीज़ कि ये प्रोटेक्ट कर सके जितने यूनिट्स है फेडरेशन के उनको एक्सटर्नल अग्रेशन से एज वेल एज इंटरनल अग्रेशन से, साथ ही में अगर कोई टेररिस्ट एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे भी प्रोटेक्शन मिल सके. नेक्स्ट ये बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अब बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की, राइट. तो यहाँ पे ये मद्देनजर रखा जाता है कि हर स्टेट के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे चलाया जाए, और मैल एडमिनिस्ट्रेशन इत्सेट्रा जैसे के कारण जो हिकअप्स आते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके. नेक्स्ट है आपकी, आपको यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो है पूरे फेडरल कंट्री की वो प्रोटेक्ट करके रखनी है. एंड लास्टली, यूनियन एंड प्रोविंसेस को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालना है अंडर 360, ठीक है, जब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है. तो ये भी इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी कंट्री का एक ही है और इनडिविजिबल है, राइट. सो इसी के कारण जो है ये इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सेफ्टी वॉल्स प्रोवाइड किए गए. नेक्स्ट सर्कमस्टांशियल सेंट्रलाइजेशन का एक और डायमेंशन है जहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है बाय द राज्यसभा, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, जहाँ पे वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकती है ऑन एनी मैटर जो कि एन्यूमरेटेड है किसमें, किसी स्टेट लिस्ट में, ठीक है. और ये स्टेट लिस्ट का कोई जो सब्जेक्ट है अगर वो इस रेजोल्यूशन में आ गया तो उस चीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और ना कि जो स्टेट्स है, ठीक है. तो जो चीज ये स्पेसिफाइड है इन वर्ड्स इन द रेजोल्यूशन, राइट, ये यहाँ पे सिर्फ उसकी बात हो रही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249. नेक्स्ट है एक और जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन फेडरलिज्म का, वो है सेंट्रलाइजेशन बाय कंसेंट, कि अपनी कंसेंट देके अपनी हामी भर के आप ये जो फेडरलिज्म है के अंदर जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है वो बढ़ा रहे हो, जिसके अंदर जो आर्टिकल 252 है वो प्रोवाइड करता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो है वो एम्पावर कर सकते पार्लियामेंट को कि वो उनके बिहाफ पे लेजिस्लेट कर दे ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट,
राइट right? सो ये जो है एक अगेन इम्पॉर्टेंट सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी की तरफ वाली पावर है। जो कंसेंशुअल सेंट्रलाइजेशन है वो अलाउ करती है स्टेट को कि वो आर्बिट्रेट कर सके, साथ ही में कुछ कॉमन पॉलिसी अप्रोच बना सके कंसर्निंग दो सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट पे है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स हम सोचते हैं कि ये नेशनल और ट्रांसलोकल इम्पोर्टेंस की, और इसीलिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट और ना कि एक एक स्टेट बनाए। इस प्रोविजन के कारण जो है बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाती है अमंग इंटर स्टेट इश्यूज, राइट। सो अगेन ये जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस है कौन कहाँ पे कितना काम कर सकता है, ठीक है। और ये जो कॉम्पिटेंस है इसको लेके भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, राइट। तो ये आप जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो फेडरल पावर्स, ये बेसिकली किस बेसिस पे करते हो? पहली चीज़ है टेरिटोरियलिटी, ठीक है। तो किसी स्टेट की जो टेरिटरी है जहाँ पे उस स्टेट का मेन जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, राइट, वहाँ पे जो है इसके स्टेट के लेजिस्लेचर के जो लॉज है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं स्पेसिफाई किए गए हैं इन योर वेरियस लिस्ट्स, राइट, वो अगेन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल पावर्स। ब्रॉडली हम बोलते हैं तीन तरह की कॉम्पिटेंस है। पहली है जिसके बेसिस जहाँ पे जो आपके वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर वेरियस कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या सेंटर हो, उनकी एक्सक्लूसिव और डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस आती है, राइट। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा, इन सब पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी आती है। ये नहीं होता कि हर चीज़ पे हम हर स्टेट से कंसेंसस बिल्डिंग करनी शुरू करते बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, नहीं, यहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका मेन जो रोल है इन अप्रूविंग द सेम वो आता है। नेक्स्ट आइटम्स है कुछ जैसे इंडस्ट्री, माइंस, मिनरल्स, ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव बट लिमिटेड कॉम्पिटेंस है। बेसिकली इन सब्जेक्ट्स पे इनकी जो कॉम्पिटेंस है इट इज़ सब्जेक्टेड टू वर्ड रेगुलेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं ताकि लार्जर पब्लिक गुड और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एडिक्वेटली सर्व जो है हो पाए, राइट। नेक्स्ट अप है लास्टली कुछ चीज़ें जो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं जिसके अंदर हर यूनिट ऑफ फेडरेशन के पास एक्सक्लूसिव बट कॉन्करिंग कॉम्पिटेंस है, ठीक है। और अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो यूजुअली जो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल करता है ओवर स्टेट लॉ, एक्सेप्ट जब स्टेट के अंदर जो बिल था उसको रिजर्व किया गया प्रेजिडेंट के लिए एंड उससे प्रेजिडेंट का जो असेंट है, साइन है, वो मिल गया हो, राइट। अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की वो काफ़ी कोएक्सटेंसिव है विद देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी जो कि उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट जिस पे वो बात करती है। नेक्स्ट जो आपके स्टेट लेवल का जो एग्जीक्यूटिव है वो उन चीज़ों पर अमल करेगा जो कि लेजिस्लेचर जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बात की जाए, ठीक है, या फिर वहाँ पे ये चल रहा हो, राइट। सो इनके इसके कारण ही जो आपके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, राइट, सो जैसे आपकी डिवीजन हो गई तीन लिस्ट के अंदर कि यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बनाएगी, सो इसी तरह से आपकी डिवीजन ऑफ पावर आपकी एग्जीक्यूटिव की भी हो जाती है। इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसके कारण उसको कोई रिस्ट्रिक्शन पे लगाया गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो है ये आ जाता है इनटू प्ले, राइट। तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन क्या बोलती है कि देखिए स्टेट की जो लॉ अप्लाई करने की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ऑब्वियसली उसकी टेरिटरी तक सीमित है, ठीक है, बट हाउ जो सेंटर है वो ऑब्वियसली उसके पास सारी की पूरी हर जगह वो लॉ अप्लाई कर सकता है। स्टेट में जो है, ठीक है, स्टेट के अंदर अगर उसने अपने टेरिटरी के बियॉन्ड कुछ लॉ जो है अप्लाई करना है वो तभी पॉसिबल है अगर सफिशेंट नेक्सस एग्जिस्ट करता है उस स्टेट में एंड ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर उसने वो लॉ अप्लाई करना है। तो ऑफन ये टैक्सेस के उसके अंदर आ जाता है, राइट, क्योंकि टैक्स जो है ऑफन मल्टीपल टेरिटरीज के में मर्ज हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं, तो उसके कारण यहाँ वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो है काफ़ी फिट बैठता है, राइट।
नेक्स्ट अब आपका जो आता है, डीडी बसु ने बोला है कि कॉन्करेंस फेयर के अंदर काफ़ी नॉवल्टी जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है, राइट। फॉर एग्जांपल जो मैटर्स जो कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी लिस्ट 3 है, राइट, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो ऑर्डिनरीली वैसे स्टेट्स के साथ ही होता है, राइट, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर ऐसा कोई लॉ जो कि पार्लियामेंट बना दे, ठीक है, जिसके कारण ये जो फंक्शन है एक्सप्रेसली जो यूनियन है उसको सौंप दिया जाए, ठीक है। सो ऑर्डिनरीली ये स्टेट्स के पास है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कम्स इनटू प्ले या फिर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है यहाँ पे कि कुछ एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है यूनियन की, और स्टेट्स अगर उनको डिफाई कर दे या उनको फॉलो ना करे पनिश किया जा सकता है स्टेट को, और ये जो पनिशमेंट है दैट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि ये फॉलो ना करना डायरेक्शंस अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जिसके कारण अगेन आपकी इमरजेंसी इम्पोज हो सकती है इन द स्टेट, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं कि आपने फॉलो करने हैं डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सके स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए कि वो कंप्लाई करे यूनियन लॉज के साथ, ठीक है, कि वो एक्सरसाइज करे अपने यूनियन पावर ऑफ स्टेट इस तरह से कि वो इंटरफेयर ना करे यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर में, ठीक है। सो विद रिगार्ड टू रेलवेज की मेंटेनेंस सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, तो ये सब वहाँ पे अप्लाई हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे आपके कुछ कॉम्पिटेंसीज एंड एनेबलिंग प्रोविजंस दी गई हैं। बेसिकली लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, ये कहाँ पे बैठती हैं, कौन सी एनेबलिंग प्रोविजन है, राइट, वो इस टेबल में जो है सिंपली दिया गया है, ये आपके पीडीएफ में अवेलेबल होगा, यू कैन हैव अ लुक एट इट, राइट। नेक्स्ट आपका जो आता है इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेडरलिज्म। अब ये ऐसी बात नहीं है कि इंडिया जो है एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेडरली रहा है, नहीं, जिस जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया में उस तरह से जो है इंडिया के अंदर जो उसका फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट जो इंडिया का पार्टी सिस्टम है, राइट, कि कौन सी पार्टीज डोमिनेट कर रही हैं जिनके कारण किस तरह की आपकी गवर्नमेंट एमर्ज होके आती है, राइट, वन पार्टी रूल चल रहा है, कॉम्पिटिशन अमंग्स लॉट्स है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं, उनके कारण जो है फेडरलिज्म पे काफ़ी जो चेंज आता है। यहाँ पे ऑक्सफर्ड कंपेनियन टू इंडियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया का जो चैप्टर ऑन फेडरलिज्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ बाय सुब्रता के मित्रा एंड मेहते पे है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंडिया के जो एक्सपीरियंस है फेडरलाइजेशन का आप उसको मेनली 3 फेजेस में जो है बांट सकते हो। पहला फेज आता है फेडरलाइजेशन का ऑब्वियसली राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू मिड 60s, जब आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, राइट। आईएनसी हम बोलते हैं, आईएनसी की एक बात होती है रेनबो पार्टी, राइट, या फिर अम्ब्रेला पार्टी, कि बेसिकली बहुत सारे फैक्शंस को वो अपने अंदर ही समा के बैठी होती थी एंड इंटरनली ही डिबेट एंड डिस्कशन जो है काफ़ी इंकरेज होता था, राइट। और साथ ही में 1920s में ही जिस तरह से हमने देखा था एक फेडरलिज्म जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया था, राइट, हमने बात की थी 1928 में ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी एंड प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी, ऑन वॉट बेसिस, लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेसिस पे, राइट, एंड इसी के कारण जो है कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था द आइडिया ऑफ कंसल्टेशन अकोमोडेशन एंड कंसेंसस, ताकि जो डिफरेंट फैक्शंस है कांग्रेस सिस्टम के अंदर, राइट, दिस कांग्रेस सिस्टम द टर्म गिवन बाय रजनी कोठारी, ये ही है, शी नहीं है, ठीक है, रजनी कोठारी वन ऑफ द पैरामाउंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द पीपल जिन्होंने पहली बार सिफोलॉजी एक्सेट्रा के लिए पुश किया था, CSDS पे की फाउंडिंग में इनका एक मेजर रोल था, राइट। सो रजनी कोठारी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उन्होंने ये इसी चीज़ की बात की थी कि इसी कंसेंसस बिल्डिंग और अकोमोडेशन के थ्रू कांग्रेस सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता आ रहा है, एंड इसी के थ्रू जो है कांग्रेस एक और जो एक मेजर चीज़ करती थी वो कोऑप्ट कर लेती थी रीजनल और लोकल लीडर्स को उसके खुद के नेशनल पावर स्ट्रक्चर में ही, तो क्योंकि वो हर किसी को स्पेस दे देती थी, राइट, तो उसके कारण जो थी एक ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनने के कारण इस तरह का एक फेडरलिज्म इवॉल्व हो गया था। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट ऑल वाज वेल, राइट, ऑब्वियसली आपकी जो जो प्रेजिडेंट्स रूल लगे हैं, राइट, वो अब से ही शुरू हो गए थे, सो इट वॉजन्ट, इट्स नॉट लाइक कि एवरीथिंग वॉज रनिंग स्मूथली हियर, बट अगेन मोर और लेस अकोमोडेशन और कंसेंसस बिल्डिंग फेडरल स्ट्रक्चर्स के साथ हो रही थी। नेक्स्ट आपका जो फेज आता है दैट इज
विद योर फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे कांग्रेस जो है राइट जितनी वो वाइड स्केल एक मेजॉरिटी इंजॉय करती थी, दैट सफर्स अ ब्लो एंड काफ़ी जो स्टेट्स हैं वो कांग्रेस कंट्रोल से हट के ऑपोजिशन पार्टीज के पास अब चले गए राइट. साथ ही में अब क्या होता है, इवन इस टाइम पे अराउंड से आप लगा सकते हो 67 to 69 तक राइट, मोर और लेस फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर्स को एक तरह से अकोमोडेट किया जा रहा था और एक ही जो अकोमोडेशन का एक ट्रेडिशन था कांग्रेस का वो लागू किया जा रहा था. हाउएवर 1969 में जो स्प्लिट होता है राइट, जब आपका ये स्प्लिट होता है, इंदिरा गांधी टेक्स कंट्रोल राइट, उस टाइम से एक ये जो पर्सनालिटी कल्ट था एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज जो टेंडेंसीज थी वो बिल्ड होने लग जाती हैं कांग्रेस के अंदर. और इसके कारण सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कांग्रेस का जो इंटरनल फेडरलाइजेशन था वही इम्पैक्ट होता है, वही इरोड होने लग जाता है राइट. नेक्स्ट क्या हुआ कि आपके जब आपका इमरजेंसी पीरियड आता है 75 to 77, जिसके कारण इंडिया हैड ऑब्वियसली गॉन बैक टू योर यूनिटरी स्टेट बनना राइट. फाइनली जो सिस्टम है इट वेंट बैक टू द कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. सो एटलीस्ट वी लर्नड आवर लेसन. जो थर्ड फेज आता है वो आपका लेट 1980s से आता है राइट. लेट 1980s यू हैव टू सी कि 70s के अंदर आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो गई है राइट. ये ही पीरियड है जहाँ पे आपकी अब जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस है उनके पास भी एक इकोनॉमिक पावर आने लग गई है, रीजनलिज्म जो है वो भी ज़्यादा बढ़ने लग गया है राइट. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जितने आप एक डेमोक्रेटाइजेशन की वेव देखते हैं इंडिया में, जिसके कारण जो रीजनल पार्टीज है सच एज DMK या फिर RJD बिहार की राइट, वो बहुत ज़्यादा असर्टिव होने लगती हैं. एंड यही टाइम है जब कोएलिशन एंड माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स का फेज जो है शुरू हो जाता है राइट. एंड इसी टाइम से जो है आपके फेडरलिज्म के अंदर भी नए नए ट्रेडिशन जो है इवॉल्व होने लगते हैं. तो हम बोलते हैं कि एक टाइप ऑफ एक जो नया ये आया है फेज, यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑब्वियसली इट इज़ बेटर देन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी विटनेस फ्रॉम 69 to 77 राइट. तो एक फेडरलाइजेशन जो है थोड़ा इनग्रेव हो गया है, थोड़ा अंदर इंटरनलाइज होने लग गया है इंडियन सोसाइटी के. हाउएवर अगेन वी सी कि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता है, जहाँ पे आप गवर्नर की पावर यूज़ करते हैं राइट. वेरी रिसेंटली वी सीन JNK राइट कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स इमर्ज हो सकती है. हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्टिविस्ट नेचर ऑफ जुडिशरी एंड द काइंड ऑफ पोलिटिकल पार्टीज जो इमर्ज होने लग गई हैं राइट, नाउ वी नो दैट BJP इंजॉय द थम्पिंग मेजोरिटी, येट दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर रीजनल पार्टनर्स एज वेल राइट. सो इसके कारण जो है ये जो फेडरलिज्म और फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको अब थोड़ी और रिस्पेक्ट जो है मिलने लग गई है और उनको फॉलो किया जाना इन स्ट्रिक्ट मेजर शुरू हो गया है राइट. अब आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं राइट. इससे पहले आई होप आप लोगों ने आपको जो सेंटर स्टेट रिलेशंस का चैप्टर है वहाँ पे आप जो ये लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ पावर्स है राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, फाइनेंशियल डिवीजन जो पावर्स है वो आप देख लीजिए. फाइनेंशियल डिवीजन ऑफ पावर्स हैज ऑब्वियसली अंडरगॉन चेंजेस बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ GST एंड उससे ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे जो बोलता है एग्जामिन द 101st अमेंडमेंट एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फेडरल रिलेशंस इन इंडिया. ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 2017 में ऑब्वियसली आया विद रिगार्ड टू योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि कहाँ पे होता है, जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो रही है एक प्रोडक्ट की वो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो जो फाइनल कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज का वो ये टैक्स जो है बेयर करते हैं राइट. GST काफ़ी ट्रांसपेरेंट और फेयर होने का क्लेम करता है और इसका मेन इशू क्या है कि ब्लैक मनी और करप्शन जो है रिड्यूस कर सके राइट. अब जो GST है और इसका जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है टू ब्रिंग इन GST. पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को कॉन्करेंट पावर्स अब दे दी गई हैं लॉ बनाने की GST के रिगार्डिंग. जो सेंटर है वो लिवाय करता है एक इंटेग्रेटेड GST भी, किस पे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज इम्पोर्ट्स. जो GST काउंसिल है जिसको इसके अंडर बनाया गया है राइट, ये जो GST काउंसिल है ये रेकमेंड करती है रेट्स ऑफ टैक्सेस,
जो पीरियड है कि अगर आपने एडिशनल टैक्स लेवी करना है वो कब तक होगा, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई, कौन से स्पेशल प्रोविजंस मिल सकते हैं स्टेट्स को, एक्सेट्रा। और ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा, ये इसके कंप्राइज करते हैं, राइट। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक ये जो बॉडी है जो कि अब एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के आ गई है वाया दिस अमेंडमेंट, राइट, इसको इनग्रेन कर दिया है, राइट, ये जो बॉडी है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द जीएसटी स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से आता है अप टू अ 5 ईयर पीरियड, राइट। अभी अमेंडमेंट बेनिफिशियल कैसे है, पहली चीज तो जो हमने एक बात की है, राइट, कि अगर आप पहले भी अगर आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते, ठीक है, इन योर वेरियस आपके जो आर्टिकल्स हैं, राइट, तो उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि फाइनेंशियली भी एक इंडिया को इंटेग्रेटेड रखने की एक कोशिश थी, और अब जीएसटी आने के साथ ये जो यूनिफाइड नेचर है ये ऑब्वियसली इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये स्टेप क्या है, ये स्टेप है टूवर्ड्स वन कंट्री वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है, ताकि एक रिलेटिवली स्टेबल टैक्स रिजीम आ सके जो कि बूस्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी एज वेल एज जो मैन्युफैक्चरिंग होगी अंडर से मेक इन इंडिया एक्सेट्रा उसको। इकोनॉमी की अगर बात की जाए और उस पर इम्पैक्ट हो तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद जीडीपी के कारण जो जीडीपी ग्रोथ है वो अराउंड 1.5 to 2% बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इन जनरल गुड्स के लिए जो है रिड्यूस हो सकती है क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है टैक्सेस का वो लोअर हो जाएगा, राइट। साथ ही में ये नेक्स्ट उसमें भी ये बोला गया है कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट है जीएसटी उसको प्रिवेंट करता है, क्यों, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, राइट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेलेबल करवाया दिया गया है अक्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं, राइट। साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये एक्सटेंड करेगा, को इम्प्रूव करेगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज होगी, प्रोसीजर्स जो है इकट्ठे हो जाएंगे, रेट्स ऑफ टैक्सेस जो है वो जो है बना दिए जाएंगे, जिसके कारण जो इन्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंस है, राइट, रिटर्न्स फाइल करने का एक्सेट्रा, इनपुट क्रेडिट्स जो है उनको वेरीफाई कर सकते हो आप ऑनलाइन, वो सब इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। साथ ही में ये हेल्प कर सकता है टैक्स इवेजन रिड्यूस करने में, क्योंकि आपकी जो यूनिफॉर्म SGST, स्टेट GST एंड IGST रेट्स है वो रिड्यूस कर देंगे इंसेंटिव फॉर इवेजन, क्यों, क्योंकि पहले तो जो पहले रेट आर्बिट्राज होता था, राइट, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर एक्सेट्रा, या फिर इंट्रा या इंटर स्टेट सेल्स के अंदर, ठीक है, अब उसके कारण जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा जीएसटी के कारण, तो ऑब्वियसली आपकी कंप्लायंस इंक्रीज होगी। साथ ही साथ में सेल्फ पुलिसिंग फीचर जो है इस टैक्स का वो भी लेवी कर दिया गया है, राइट, ताकि जो कि लेवी किया जाएगा उस पर जो वैल्यू एड हुई है किसी गुड्स या सर्विस पे, राइट। कंज्यूमर ऑब्वियसली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट है उसको ये कम करा सकता है, राइट, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा उसके ऊपर जीरो टैक्स रेट है, तो इसीलिए इट विल बी हेल्पिंग द कंज्यूमर्स एज वेल। अब कंसर्न्स क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के हम जो इतनी बात कर रहे हैं कि ओवर द इंटरनेट एक्सेट्रा आप फाइल कर सकते हो सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, अवेलेबल कितनी है जो बैंडविड्थ है डिजिटल कनेक्टिविटी की ऑल अक्रॉस इंडिया। साथ ही में इशू ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी भी उधर के आता है, क्योंकि अब जो जीएसटी काउंसिल है जो कि प्राइमरीली एक डोमिनेटेड बाय आपकी जो एक इस तरह की बॉडी है तो वो अपना फाइनलाइज करेगी, और वो फाइनलाइज कैसे करेगी, बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट्स ऑफ वेटेड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पे जो है सेंटर के पास 33% होगा और स्टेट्स के पास 66% है। हाउएवर स्टेट्स भी आपस में डिवाइडेड है, इट्स नॉट लाइक देर ऑल यूनिफाइड, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स एंड डिफरेंट रेट्स, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, डिफरेंट स्लैब्स बना दी गई हैं, तो एक ये जो प्रिंसिपल था वन कंट्री वन टैक्स का वो अबाइड नहीं किया गया है। कंज्यूमर्स के लिए भी जो बेनिफिट्स हैं जो रिड्यूस कॉस्ट के द्वारा आएंगे, ठीक है, वो शायद उनको पास ना किए जाए, राइट। सो प्लस ये जीएसटी को रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जैसे भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो इक्वलाइज कर देगा टैक्सेस ऑफ ऑन प्रोडक्ट्स, जिसके कारण द रिच विल प्रॉब्ली एंड अप पेइंग लेस टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स विजवी से द पुअर हु विल प्रॉब्ली एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस फॉर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं क्या इम्पैक्ट है जीएसटी का फेडरल रिलेशंस इन इंडिया पे।
जो स्टेट्स है वो काफी अपनी पावर गिव अप कर रहे हैं इम्पोज करने की टैक्सेस ऑटोनॉमसली. स्टेट्स जो है अब से नहीं चेंज कर पाएंगे अपना टैक्स रेट इंडिविजुअली. अब दोनों ही सेंटर और स्टेट जो है उनके पास पावर आ गई है टू मेक लॉ ऑन जीएसटी अंडर व्हाट आर्टिकल 246A, अनलाइक द एग्जिस्टिंग रेजिम जहाँ पे सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था आपस में, राइट. नेक्स्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है. जीएसटी रेजिम के अंदर जो पूरा कंट्री है उसको वन मार्केट वन एक इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड यूनिट बनाने की बात हो रही है, राइट, जहाँ पे सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाए. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये शायद इनकरेज करेगा, राइट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करता है कि डिसीजन जो है 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से होने, तो कंसेंसस बिल्डिंग होगा. साथ ही में हार्मोनाइज हो जाएंगे जीएसटी लॉज अक्रॉस द कंट्री, राइट. मोर ओवर कुछ कॉमन डेफिनेशंस इवॉल्व हो जाएंगी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विच विल ओनली एंड अप हेल्पिंग द पीपल, राइट. साथ ही में कॉमन प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट होंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ऑब्वियसली बढ़ेगा एंड दिस विल हेल्प बोथ द स्टेट्स एज वेल एज द सेंटर. जीएसटी की कुछ ड्रॉबैक्स है बट ऑब्वियसली देयर रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, जिसके कारण जो है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाए, राइट. अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज विद रिगार्ड टू योर इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स. ठीक है, रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है इंडिया के अंदर एक सबसे सेंसिटिव इशू बन के रह गया है, राइट. अब आपने क्या डिस्कस करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो कि अवेलेबल हैं एंड क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की. ठीक है, अब रिसेंटली जिस तरह से हमने देखा है कावेरी को लेकर मेजर इशू चला था, राइट, अगेन इंटर स्टेट रिवर वाटर्स पे भी आपका TTL में लेक्चर अवेलेबल है. ये भी इसका भी जो लिंक है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ में एम्बेड भी कर दिया जाएगा प्लेटफॉर्म पे. रिसेंटली कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो आप इस्टेब्लिश करें ताकि कावेरी ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके. ठीक है, बहुत सारी रिवर्स इन इंडिया के ऊपर जो ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट चल रहे हैं. अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स अवेलेबल है हमारे पास, पहले आर्टिकल 262, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट जो है लॉ के थ्रू ऐसी किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए या कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए विद रिगार्डिंग टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली. ठीक है, जो एक जो रिवर है या रिवर वैली जो इंटर स्टेट्स है काफ़ी एक से ज़्यादा स्टेट्स में है, ठीक है, उसके लिए पार्लियामेंट बाय लॉ जो है प्रोवाइड कर सकती है सम वे ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ दिस डिस्प्यूट. जो क्लॉज टू है इसका वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को विद द पावर कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट जो है एक्सरसाइज करेगा ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ डिस्प्यूट और कंप्लेन. ठीक है, तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा, आपकी पार्लियामेंट ही इसको एडजुडिकेट करने के लिए जो है ट्रिब्यूनल बनाएगी. ठीक है, वाटर जो है अब 7th शेड्यूल में आता है. कैसे आता है, एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर सप्लाईज इरिगेशन कनाल्स ड्रेनेज एम्बैंकमेंट स्टोरेज एंड वाटर पावर, ठीक है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट. हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू वॉट, एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट. ठीक है, और ये जो एंट्री 56 है ये बात करती है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज की. ठीक है, सो यूनियन विल हैव द फाइनल से, राइट. अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स कुछ लॉ भी हैं जो कि बनाए गए थे अंडर आर्टिकल 262 जो कि एड्रेस करने की कोशिश करते हैं डिस्प्यूट्स को. फॉर एग्जाम्पल आपका रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 का, ठीक है, जो कि बात करता था कि सेंटर को कंट्रोल करना चाहिए रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज इन पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, हाउएवर कोई भी रिवर बोर्ड जो है अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है एंड दिस एक्ट इज अ डेड लेटर. ठीक है, इट कुड हैव बीन वेरी यूजफुल बट इसको एडिक्वेटली अप्लाई नहीं किया गया. नेक्स्ट इज योर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, द वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 जो कि कन्फर करता है पावर यूनियन गवर्नमेंट पे ताकि वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाए क्या ट्रिब्यूनल्स जो कि रिजॉल्व करेंगे ऐसे डिस्प्यूट्स. साथ ही में ये एक्सक्लूड कर देता है किसकी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा की ज्यूरिसडिक्शन इन सारी डिस्प्यूट्स पे. अब इश्यूज और मेन चैलेंजेस क्या हैं विद रिगार्डिंग टू फेडरलिज्म. ठीक है, तो अगर इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म एक्सेट्रा की बात की जाए कौन से मेन इश्यूज है, कौन से मेन चैलेंजेस है जो कि आप फेस करते हैं, जो कि आप विटनेस करते हैं. ठीक है, अगेन यू कैन गो थ्रू योर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, काफ़ी अच्छा है वो जो चैप्टर है, राइट. साथ ही में यू कैन ऑल्सो ऑब्वियसली गो थ्रू योर चैप्टर 14 ऑफ
लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली बात बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके काफ़ी मुद्दा है, राइट? क्यों? क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ओमिशन, एडिशन या ट्रांसफर के थ्रू काफ़ी जो चीज़ें हैं वाया थ्रू वेरियस अमेंडमेंट एक्ट्स, उन्होंने बहुत चेंजेस ला लिए ले आए हैं वो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज में, जो कि 7th शेड्यूल के अंडर आता है। तो काफ़ी लिस्ट में अदला बदली हो गई है। फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही, राइट, ढेर सारी एंट्रीज जो है ओमिट कर दी गई थी, ठीक है, इनको ओमिट कर दिया गया था फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, राइट। सो इसके कारण जो है अगेन जो स्टेट्स की जितनी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए वो और कर्टेल की जा रही है। साथ ही में कॉन्ट्ररी टू द विजडम ऑफ फाउंडिंग फादर्स, जो आर्टिकल 356 है, राइट, उसका यूज, अब्यूज, मिसयूज और ओवर यूज बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। ये जो प्रेजिडेंट्स रूल है, राइट, इट हैज बिकम अ बेन, राइट, इट हैज बिकम एन एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक ऑफ द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका सबसे डेट्रीमेंटल एस्पेक्ट है कि इन मोस्ट केसेस जो है ये एक उल्लंघन करता है जो बेसिक प्रमाइस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का भी, राइट। ये जो अगेन ये ट्राई करता है कि अगर आपने से कुछ नॉर्म्स की बात अगर करनी हो, ठीक है, कि किसी नॉर्म्स की बात करनी हो कि किस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट, ये जो आर्टिकल है 356, राइट, ये जो 356 का आर्टिकल था, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आप नॉर्म्स ले डाउन कर दें ताकि इसका जो मिसयूज़ है वो प्रिवेंट हो सके। सो सरकार या कमीशन ने मेजर रिकमेंडेशंस दी थी इन दिस रिगार्ड, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की इन द फेमस SR बमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि देखिए प्रेजिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो है, राइट, जब प्रेजिडेंट रूल इम्पोज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसी, इनफैक्ट प्रेजिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है ऑल्दो वो सब्जेक्टिव है, राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सेटिस्फैक्शन है ये हमेशा किसी रेलिवेंट और ऑब्जेक्टिव मटेरियल पे बेस होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है कंडीशनल है, जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो पावर है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर ये लगे कि मैलिफाइड है, राइट, किसी रेलिवेंट प्रोविजन पे बेस नहीं, सो इट कैन बी क्वेश्चन बाय इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल, ठीक है। इनमें से कुछ जो फीचर्स अगेन विद रिगार्डिंग टू फेडरलिज्म, कुछ जो अंडर बहुत क्रिटिसिज्म आए हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो रोल गवर्नर्स प्ले करते हैं विद इन द इंडियन स्टेट्स, राइट। सो अब फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सोचा था कि जो गवर्नर्स थे उनको दे वर सपोज टू प्ले अ वेरी मिनिमल रोल, राइट। सो इनको अपॉइंट भी आपके प्रेजिडेंट द्वारा ही किया जाता है, राइट, अगेन ताकि इनकी जो स्टेचर है वो चीफ मिनिस्टर से ऊपर ना हो, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। एंड मेनली दे वर सपोज टू एक्ट अगेन एज अ सेफ्टी वॉल्व, कि जब एक्सट्रीम क्राइसिस लाइक सिचुएशन कर भी आ जाती है अगर स्टेट में, तो तब दे वर सपोज टू कम इनटू एक्शन। हाउएवर अब क्या हो गया है, दे आर बीइंग सीन एज द पॉन्स ऑफ द यूनियन, राइट, जिसके कारण दे हैव स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, किसके बोलने पे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे, राइट। और ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर है, ये हम बोलते हैं कि एक ऑलमोस्ट वीटो प्लेयर, ठीक है, अगेन ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि ऑलमोस्ट एक वीटो प्लेयर जैसे इमर्ज होके चला आ गया है इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सेटअप जो कि हम विटनेस करते हैं, राइट, स्टेट्स के अंदर, राइट। और ये जो गवर्नर है जिसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, आर्टिकल 155 जो बोलता है, और ये ना ही अकाउंटेबल है टू एनी लेजिस्लेचर, और इनका जो टर्म भी है ये इंजॉयज इट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये कोर्ट का भी कहना था कि जो गवर्नर है एट द एंड ऑफ द डे वो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की, जिस तरह से प्रेसिडेंट है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह से गवर्नर है यहाँ पे स्टेट लेवल पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग थी राम जवाया कपूर वाले केस में। हाउएवर ये जो है जो गवर्नर का ऑफिस है रिगार्डलेस ऑफ दिस हैज बीन यूज इन अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर टू एक्चुअली डिस्प्लेस ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स इन वेरियस स्टेट्स। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पेक्यूलैरिटी जिसके कारण जो है कुछ स्केप्टिसिज्म देखा है इंडिया के फेडरल कैरेक्टर में इज द इशू रिगार्डिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, राइट। और यहाँ पे इसी के कारण जो है वेयर ने नोट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर उनके पास कोई गारंटी नहीं है, राइट, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेकर, तभी हम बोलते हैं क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, ये है डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स ऑफ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन,
तो जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन इनडिस्ट्रक्टेबल कौन है? जो आपकी यूनियन है, दैट इज योर इंडिया, राइट। तो जो आपके आर्टिकल्स 2 और 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो स्टिपुलेट करते हैं कि जो पावर है टू फॉर्म, ऑल्टर या डिसॉल्व स्टेट्स, वो किसके पास है? आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। स्टेट का एक इनडायरेक्ट रोल आता है, राइट, जहाँ पे वो ऑब्वियसली उनको बता सकते हैं, राइट। साथ ही में राज्यसभा के अंदर भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे कैन हैव अ से। हाउएवर ये रोल जो है एकदम ही लिमिटेड है, एंड एक जो नॉन बाइंडिंग ओपिनियन जो है ऑब्वियसली ली जाती है, राइट, जो स्टेट असेंबली से, राइट। फॉर एग्जांपल तेलंगाना के रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश ने रिजेक्ट कर दिया था, बट दे स्टिल वेंट ऑन टू फॉर्म तेलंगाना। सो ये जो ओपिनियन जो देती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेट, दैट इज नॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग मेयरली एडवाइजरी। फाइनली एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल एसिमेट्री जो कि देखी जाती है। और ये जो स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है बहुत जगहों पे काम आती है, बहुत जगहों पे इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन है ऑफ स्टेट्स, दैट इज ऑल्सो अ मेजर आपका मेजर रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ एसिमेट्री, राइट। तो कितने में, कितने लोग आपके राज्यसभा में आएंगे, ठीक है, प्रेजिडेंट्स इलेक्शन में उनका किस तरह से रोल होगा, राइट। साथ ही साथ में आपके फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा को भी लेके जो है इन स्ट्रक्चरल एसिमेट्रीज के कारण मुद्दे उठने लग गए। सो वील क्विकली सी दैट, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन और कौन से फेडरल इशूज है। 15 फाइनेंस कमीशन ऑब्वियसली सबको पता है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर एनके सिंह 2017 में, राइट। और इस कमीशन का क्या काम है, इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करनी 2019 तक, और उनकी जो रिकमेंडेशन है ऑब्वियसली 5 साल तक चलेंगी, और ये कब शुरू हो जाएंगी, 2020 अप्रैल 1, 2020 से, ठीक है। अभी जो ऑब्वियसली हर फाइनेंस कमीशन का जब होता है एक गजेट नोटिफिकेशन आती है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस नाम की चीज होती है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये लिस्ट आउट करते हैं कि कमीशन काम क्या करेगा और कौन सी कंसिडरेशंस वो दिमाग में रखेगा जब वो ये इवॉल्व करेंगे चीजें, ठीक है। और ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो पॉपुलेशन डेटा किसका यूज करेगा, आपके 2011 जो आपका सेंसस है उसका। अब इसके कारण मेजर प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्यों, ये अपोज किया जा रहा है उन स्टेट्स द्वारा जिन्होंने जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स थे उनको अच्छे से अप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन जो है रिप्लेसमेंट रेट के नीचे ले आई है, काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है। फॉर एग्जांपल आपकी तमिलनाडु हो गई, कर्नाटका हो गई, केरला हो गई, उड़ीसा ने काफ़ी कंट्रोल किया है, राइट। सो इन सबको ऑब्वियसली प्रॉब्लम है कि वी विल एंड अप लूजिंग आउट ऑन बेनिफिट्स बिकॉज आर पॉपुलेशन हैपन्स टू बी वे लेस, एंड दोज अदर स्टेट्स जहाँ पे इन्होंने ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स है वो ढंग से अप्लाई नहीं किए, दे विल रीप द बेनिफिट्स। हाउएवर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है दैट ऑल्दो 14th फाइनेंस कमीशन ने कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं दिया कि किस तरह से 2011 कंसेंसस यूज करना है, इट हैड राइटली एलोकेटेड कितना 10% वेट टू द 2011 सेंसस, ठीक है। और इसके कारण जो है जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं 1971 से, क्योंकि पहले 1971 का डेटा यूज हो रहा है, राइट, तो उनके थ्रू जो है असेसमेंट बना दी गई है कि क्या क्या नीड्स है स्टेट की। अब ये जो फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह है, उन्होंने बोला है कि जो कमीशन है दैट विल ऑब्वियसली ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस किसके बीच में, कि आप हम रिवॉर्ड करेंगे एफिशिएंसी और कितने अच्छे से आपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स किए, बट एट द सेम टाइम हमने इक्विटी का भी ख्याल रखना है कि कहीं वो जो स्टेट्स जिनके पास इतनी पॉपुलेशन है दे कांट सपोर्ट देयर ओन पॉपुलेशन ओनली। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो है विद रिगार्ड टू रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, एंड TOR में मेंशन किया हुआ है कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन वो एग्जामिन करेगी 15 का फाइनेंस कमीशन कि क्या ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देने भी चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अगर बार बार आ रहा है और उसमें भी डेफिसिट हो रहा है वो ग्रोथ इंड्यूसिंग नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली पुटिंग मनी डाउन द ड्रेन, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीट्स को एक्सीड ना करे। जितनी भी बोरोइंग्स हैं वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ होंगी, ऑब्वियसली जनरेट की तरफ ओरिएंटेड होंगी, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक्सलरेट करता है ग्रोथ, ये ग्रोथ को जो है इनकरेज करता है, ठीक है। जो स्टेट्स है रेवेन्यू डेफिसिट्स के जिनके पास हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए टू दी एक्सटेंट ऑफ सच डेफिसिट, उसके बियॉन्ड नहीं, इनफैक्ट दे शुड बी इनकरेज, क्योंकि जो बोरोइंग्स हो वो ग्रोथ इंड्यूसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़े रादर देन रेवेन्यू, राइट। अब जो कमीशन है उसको एक और चीज़ भी रिक्वायर की गई है कि वो एग्जामिन करे क्या इम्पैक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का किस पे,
फाइनेंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ट्राई किया गया है कि वो इंक्लूड कर ले पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, ऑब्वियसली जो कॉम्पनसेशन पे करनी है सेंटर ने फॉर द रेवेन्यू लॉस जो कि काफ़ी जो स्टेट्स जो है विटनेस करेंगे। फर्दर ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उन्होंने इंकरेज किया है थ्रू अ फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिटेरेंस, क्या कि वो उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करे जो कि कंट्रोल करते एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स, ठीक है। तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स चला रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये कुछ इंसेंटिव्स देंगे। हाउएवर अगेन अगर ये इंप्लीमेंट करना है उसके रिगार्डिंग बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये EPW का आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा एक रेलिवेंट आर्टिकल है ऑन 15th फाइनेंस कमीशन, इसकी जो वेरियस रिकमेंडेशन वेरियस इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ हम बोलते हैं ये जो पॉपुलिस्ट मेजर की आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु एक्सेट्रा में जो आपके मील्स मिलते हैं दैट माइट बी सीन एज पॉपुलिस्ट बट दैट इज ऑल्सो सर्विंग द पीपल, ठीक है। तो आप ये डिफाइन कैसे करोगे कि पॉपुलिस्ट मेजर क्या क्या है। सेकेंडली हम बोलते हैं कि ये आप बाय curbing or trying to curb these populist programs, क्या आप state की जो sovereign jurisdiction है, state government की जो sovereign functions जो वो निभा रहा है, कहीं आप उसमें तो नहीं interfere कर रहे हैं, which is again against the जो एक आपके federal principles है उसके against है, ठीक है। So ये main issues है, again आपके terms of reference in fact पूछे गए थे, राइट। तो ये कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट शुड बी केप्ट इन माइंड स्पेशली विद रिगार्डिंग टू द फेडरल रिलेशंस और किस तरह से वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एक जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जहाँ पे ये बात आती है विद रिगार्डिंग एसिमेट्री, ठीक है, वो है कि आर्टिकल 370 और इसकी क्या रेलिवेंस है, क्या ये अभी तक रेलिवेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हो। तो आर्टिकल 370 जैसे कि सबको पता होगा ये क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है और इसको temporary, transitional and special provisions के अंडर जो था लिखा रखा गया था, ठीक है। अब इस आर्टिकल के द्वारा except for defense, foreign affairs, finance and communications, parliament को state government जो जम्मू एंड कश्मीर की government है उनकी कॉन्करेंस चाहिए इन अप्लाइंग ऑल अदर लॉज जो बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं वो कुछ एक सेपरेट सेट ऑफ लॉज के अंडर रहते हैं, राइट, स्पेशली विद रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा vis-a-vis other Indians. 2015 में एक इंपॉर्टेंट रूलिंग आई थी जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट की, जिन्होंने बोला था कि आर्टिकल 370 है जिसको लेके मुद्दा चल रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, क्या इसको बने रहना देना चाहिए या नहीं। उन्होंने बोला कि ये एक परमानेंट फीचर जो है बन चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसके रिगार्डिंग एक प्ली डाली गई, तो 18 में जब फाइनली वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम चीज़ जो है रिएटरेट करी कि अब ये एक परमानेंट फीचर बन गया है, उसको अबॉर्गेट नहीं कराना चाहिए, कराया जा सकता। और साथ ही में कोर्ट ने यह भी बोला कि हमने तो ये ऑलरेडी एक ये चीज ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके थे इन अ 2017 जजमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता केस, ठीक है, सरफेसी को लेके ये था। और यहाँ पे हम ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके थे कि जो ये जो आर्टिकल 370 है ये टेम्पररी प्रोविजन ही, अब ये ऑलमोस्ट एक परमानेंट फीचर ही बन चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इश्यूज क्या है 370 को लेके, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनइक्वालिटी क्रिएट करता है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में। तो हमने जो बोला था एक तरह स्टार्क एसिमेट्री जो आ जाती है यहां पे, ठीक है, तो ये वो कर देता है जिसके कारण ऑब्वियसली अदर जो यूनिट्स है ऑफ द कंट्री दे फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। नेक्स्ट ये हर्डल करता है कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। तो ये बोलते हैं वन ऑफ द मेजर रीजन, ये बोलते हैं आर्टिकल 370 इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एडिंग इन द इंटीग्रेशन इज मे बी अ हर्डल, ये एक इशू माना जाता है। नेक्स्ट वो बोलते हैं इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो बोलता है कि लोग जो कश्मीर के बाहर है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते कश्मीर में, ना ही वो बाय कर सकते कुछ प्रॉपर्टी या फिर कोई बिजनेस चला सकते हैं, राइट, उसके कारण कश्मीर माइट बी सफरिंग, राइट, बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ डोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर इटसेल्फ। लास्टली एक ये जो जेंडर बायस का इशू है वो भी उठाया जाता है विद रिगार्डिंग टू परमानेंट सिटीजन। अब नीड क्या है, रेलेवेंस क्या है फॉर कंटिन्यूइंग आर्टिकल 370, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, हिस्टोरिकल रीजंस। एंड गोपाल स्वामी अयंगर ने इंपॉर्टेंटली ये बोला था कि देखिए जिस तरह से बाकी प्रिंसली स्टेट्स इंटेग्रेट किए गए थे जो कि राइट थे फॉर इंटेग्रेशन, ऐसी जो एक सिचुएशन थी वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट। पाकिस्तान एंड इंडिया वर एट वॉर, यहाँ पे एनिमी स्टेट के घुसपैठ घुस आए थे, राइट। तो एक तरह की उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कारण जो है रीजंस एग्जिस्ट फॉर सच स्पेशल ट्रीटमेंट। सेकेंडली ये भी बोला जाता है कि विल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के जो पीपल है उनको अभी तक नहीं एक तरह से
समझा गया राइट एंड कंटिन्यूड इंटरनेशनल फोकस है विद रिगार्डिंग टू द सेम राइट सो द एंटायर इशू ऑफ प्लेबिसाइट क्या होना चाहिए या नहीं राइट तो ये बोलते हैं कि रियल पीस तभी एंश्योर हो पाएगी अगर जो लोग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो इस अरेंजमेंट को जो है उसके साथ खुश हों। लास्टली चेंजेस खुद बहुत आए हैं आर्टिकल 370 में राइट तो ऐसी बात तो है नहीं कि जिस तरह की ऑटोनॉमी पहले होती थी वो अभी तक इंटैक्ट है। बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 को ओवर टाइम काफ़ी इरोड कर दिया गया है। साथ ही में जो JNK है वो यूनिक नहीं है जैसे कि हमने पहले भी देखा था बाकी स्टेट्स में भी 371 के अंदर अगर हम देखें राइट वेरियस स्टेट्स नागालैंड एक्सेट्रा के पास भी जो है स्पेशल प्रोविजन्स जो है जो उनको मिले हैं राइट जो सो JNK इज नॉट दी ओनली वन जिसके पास ये स्पेशल स्टेटस है। नेक्स्ट है आपके वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अमिताभ मट्टू मेक्स राइट दैट द पॉपुलेशन स्टिल फील्स वेरी वल्नरेबल और एक सेपरेटिज्म सिर्फ बढ़ता ही है अगर लोगों को लगता है एक डिस्कनेक्ट लगता है विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड द यूनियन पावर ठीक है सो इसीलिए बेटर है कि आप डिवॉल्व और डिसेंट्रलाइज ही रखो इवन इफ इट रिक्वायर्स स्पेशल कंसिडरेशन एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग पीपल ठीक है बिलीव एंड हैव मोर फेथ इन द यूनियन राइट एंड लास्टली जो जेंडर बायस का इशू है वो इनफैक्ट 370 से है ही नहीं 370 इटसेल्फ जेंडर न्यूट्रल है। इशू किसके रिगार्डिंग था 358A के रिगार्डिंग जो जिसके बाद भी हुई थी JNK में एक 2002 जजमेंट में जहां पे उन्होंने बोला था कि आपकी अगर कोई डॉटर है और उनके बच्चे हैं ठीक है अगर डॉटर की शादी हो जाती है वो अपना रेजिडेंट का स्टेटस जो है नहीं खोएंगी। हाउएवर अगेन ये जो 35A को रिगार्डिंग जो मुद्दा है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसको डिफर कर दिया गया है दैट रिमेन्स टू बी रिजॉल्व राइट सो दीज वर द मेन पॉइंट्स विद रिगार्डिंग टू फेडरलिज्म वेरियस इशूज एक्सेट्रा आपको बताया गया है लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑफ आपको कौन कौन सी वीडियोज देखनी है सो प्लीज सी दो GS batch ki polity videos first and then look at this chapter also mentorship children keep students keep solving those questions aapko daily questions isliye provide kiye jate hain right so keep solving them keep writing those answers tabhi aapki jo writing aapki dono hi prelims ki bhi practice ho jayegi right so by the time prelims hit you would have solved already hundreds of questions jo ki har topic se related hai right so covering all topics so aapki wahan pe bhi ho gayi hogi and plus aapne mains answers bhi attempt kar liye honge itne sare right so chaliye thank you and see you in the next lecture।